जेठानी की टक्कर है, रागिनी सिंह भी ना, तो उसे नहीं हार देगा। आखिर क्या कारण उनके हार का होगा, ऐसा क्यों बोल रही? क्यों वो जाएगा उसी बोली बोलेगा गरीब के कि जाइए जाइए, ऐसे डटेगा। क्या आप उनके ऑफिस गए थे? हाँ ऑफिस गए थे। सबको क्यों क्या हुआ? उनका अगला ने किस लिए गए थे रागिनी सिंह? आपको डांट के भगा दिया? भगा दिए भगा दिए, जाइए। नमस्कार, मैं हूं छोटे खान, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे झारखंड। कोयलांचल झरिया और सिंह मेंशन की सियासत कैसे बदल रही है? झरिया में जेठानी देवरानी की मुकाबला देखा जा रहा है। क्या कहते हैं झरिया के लोग, सुने आप भी। कौन बनेगा विजेता, दिखा रहा है न्यूज टुडे झारखंड झरिया की जनता की मन की बात। धनबाद की झरिया सीट को लेकर वर्चस्व की लड़ाई 2014 के चुनाव में चचेरे भाई आमने सामने थे, वहीं 2019 की मुकाबला जेठानी देवरानी के बीच थी। इस बार भी मुकाबला जेठानी और देवरानी के बीच का ही है। बता दे झरिया विधानसभा से पुण्यमा नीरज सिंह को मिल रहा है जनता का अपार समर्थन। जनता ने कहा झरिया में विकास का दूसरा नाम है पुण्यमा नीरज सिंह। विधानसभा में सबसे पढ़ी लिखी महिला जो पोस्ट ग्रेजुएट है, और पढ़ी लिखी होने के साथ साथ जो 5 साल जो इनको समय दिया गया उसमें 2 साल कोरोना खा गया है, और कोरोना के बाद जो इनको 3 साल का समय मिला कोरोना बीतने के बाद उसमें इन्होंने बहुत बेस्ट काम किया है। रोड बनवाया है, पानी का जो दिक्कत है यहाँ उस पर पाइप भी बिछा है, और हमको लगता है कि इनको कम से कम 2 साल और मौका मिलता तो पानी की समस्या लगभग झरिया विधानसभा से समाप्त। वहीं महिलाओं ने मैया सम्मान योजना को लेकर खुशी की लहर है। महिलाओं ने बताया अगर झरिया की बात करें तो सड़क, कॉलेज या नाली या गली की हो समस्या, सभी समस्या का निदान पुण्यमा नीरज सिंह द्वारा किया गया है। इसलिए झरिया की जनता एक बार फिर से पुण्यमा नीरज सिंह को जीत का सेहरा पहनाकर जीत दिलाना चाहती है। मतलब है कि पुण्यमा नीरज सिंह बहुत काम की है झरिया में जी। जैसे वो गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनवाई है, RSP कॉलेज जो बेलगड़िया चला गया था वो उनको वापस लेकर आई है, और हर घर में मैया सम्मान योजना मिल रहा है। जो महिला बाहर जाकर कमा नहीं पाती है उनके अकाउंट में 1,000 रुपया आ रहा है। जो बच्ची पढ़ाई कर रही हैं और वो अपना मतलब अपना ज़रूरत का जो भी उनका ये है वो अपना पूरा कर रही हैं मैया सम्मान योजना से, और आने वाले दिसंबर में 2,500 हर महिला को मिलेगा। देखिए उनका तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो अभी आ रहा है, जो अभी दिख रहा है, हम उसके बारे में बता रहे हैं। अभी चाहे वो जो भी महिला हो सभी को 1,000 रुपये मानदेय हर महीना मिल रहा है, और अभी 2-4 दिन पहले भी सबका अकाउंट में 1,000 रुपये आया है कि जीत रही हैं, और वो नेक्स्ट विधायक वही है। लेकिन जो हमें दिख रहा है हम वो बता रहे हैं आपको। पूर्णिमा नीरज सिंह निकल रही हैं और वो निकलेंगी क्योंकि वो बहुत झरिया में काम की हैं, और वो गरीबों का मसीहा है और गरीबों का मसीहा रहेंगी क्योंकि वो नीरज सिंह की पत्नी हैं। ठीक है, नीरज भाई भी गरीबों का मसीहा थे और उन्हीं की वो वाइफ हैं, वो भी गरीबों का मसीहा हैं। आखिर क्या कारण उनके हार का होगा, ऐसा क्यों बोल रही? क्यों
वो जाएगा उसी बोली बोलेगा गरीब के कि जाइए जाइए ऐसे जाएगा। क्या आप उनके ऑफिस गए थे? हाँ ऑफिस गए थे सब। क्यों क्या हुआ? मैं हारू भी हूँ मन। क्या कहा गया? जाइए जाइए यहाँ जरूरी नहीं है ऐसे बोलेगा हमको गरीब के। किस लिए गए थे आप वहाँ? उनका अगला ने किस लिए गए थे रागिनी सिंह के ऑफिस? गए थे हम जाना ले चले आए तगिए तो डांट के भगा दिए। आपको डांट के भगा दिया? हाँ भगा दिए जाइए पुलिस। अच्छा झरिया क्षेत्र से दोनों प्रत्याशी खड़ा है, किन्हें समर्थन मिल रहा लोगों का? सुनिए बेटा हाँ हमको सब कुछ आधार कार्ड एक कार्ड में बेटा जगह ही बनना वाला गरीब है आज मरदाना हम मर गए पीछे नंबर बांध जाओ। तो पूर्णिमा सिंह ने ये सब आपका चालू करवा दिया ना? वो कहाँ चालू करवाया पूर्णिमा सिंह? पूर्णिम को चालू करवा दिए हम बोले हैं कि हम जीत जाएंगे आप दवा दीजिए दादी तो हम तुमको पीछे चालू कर देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंदन मानो देवी।